अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है, कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया ने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। एक और वीडियो में वापस आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और हम घर से जो है वो बीच के पास पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह आज मूड बना कि चलो सबसे पहले बीच घूम के आते हैं, क्योंकि सुबह का जो गोवा का बीच है उसका जो नज़ारा है वो अलग लेवल को आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पीछे जो है वो मनोज सर आ रहे हैं और आगे जो है वो हमारे फैमिली जो है वो निकल गए हैं, यानी मेरी माँ और बड़े भाई जो है वो आगे जा रहे हैं। वो देखिए सामने। हालांकि नाइट में मैं आया था इस जगह पे, लेकिन सुबह सुबह जो घूमने का मज़ा है वो अलग लेवल की मज़ा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बीच, और ये देखिए पप्पी। तो सर जी आ गए, क्या बोलना चाहेंगे? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलना चाहेंगे हम। और कौन सा बीच पे आए हैं अभी? ये है कोलवा बीच। ये है जो मारगांव का सबसे मतलब नियरेस्ट 6 किलोमीटर पड़ता है मारगांव से। फ्रेश एयर मिलता है और मुझे लगता है खाली पैर घूमने में और ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। हम तो जूता वूता खोल के घूमेंगे मस्त। ये जो आपका रेत जो है, रेत पर चलने से ये एक साइंटिफिक मतलब एक्यूपेक्चर भी होता है आपके अंदर पैरों में। दूसरा क्या है कि जो समुद्र का जो आवाज जो आ रहा है पानी का, ये एक साइंटिस्ट है कि एक ये म्यूजिकल आपको ध्यान जो है ना डिप्रेशन को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। इसलिए यानी रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग और सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप यहाँ 6 to 8 के टाइम में अगर योगा वगैरह करते हैं तो ये सब जगह जो होता है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल पावर से चार्ज रहता है। यहाँ पे बहुत बेहतर से आप अपने आप को योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो गाइस देखिए मैं दिखाता हूँ सामने का जो नज़ारा है बीच के। ये देखिए किस तरीके का ये बीच का नज़ारा है। और देखिए सुबह सुबह जो है वो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए बीच पे, क्योंकि हर किसी का सपना होता है गोवा वाली बीच पे। शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और सुबह सुबह भी देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आने लगे हैं। तो गाइस अगर आप गोवा आते हैं तो आपको इस तरीके के जो है वो फोटो खींचने के लिए जो है वो लोग दिख जाएंगे। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल। अच्छा, फोटो खींचते हैं। कितने में एक फोटो का क्या चार्ज करते हैं? 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ पे मम्मी भी जो है वो बीच पे घूमने के लिए आ गए हैं। कैसा लग रहा है सुबह सुबह? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो मम्मी को हर चीज़ जो है वो गोवा का बहुत ही सुंदर ही लगता है। और चलिए बीच पे आगे चलते हैं। देखिए ये जो साइड में आप देख रहे हो चीज़ें, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। यहाँ पे नाइट पार्टी वगैरह जो है वो बहुत तगड़े लेवल से की जाती है। जब आप इवनिंग टाइम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कैंडल डिनर वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर खासियत मैं बताऊँ इस बीच की, तो सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगता है कि ये बीच बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मतलब बहुत ज़्यादा साफ सुथरी बीचेस है। देखिए कहीं भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ की जो रेती है, जो बालू है, वो उसका कलर जो है वो वाइट है। ये देखिए वाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो बीचेस के रेत होती है वो ब्राउन कलर में होता है। तो गाइस अभी सनराइज होने लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले आ रखा था बीच पे। तो अभी सनराइज हो रहे हैं और सनराइज के साथ में जो गोवा बीच पे घूमने का मज़ा है ना वो अलग लेवल की है। तो यहाँ पे घूमिए और सुकून लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुंबई के गोवा का जो ट्रेवलिंग है उसको लेकर, ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आपको ड्राइविंग आती तो सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। आप रेंट पे स्कूटी ले सकते हैं, 4 व्हीलर व्हीकल ले सकते हैं और शेयरिंग ऑटो वगैरह बहुत कम मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। शेयरिंग ऑटो तो आपको मिलेंगे ही नहीं। ये देखिए, ये बीच का जो आप झंडा देख रहे हो, इसके उधर जो है वो डेंजर जोन माना गया है और इसके हिसाब से यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये देखिए पानी कितना आपको क्लीन दिखेगा। ये देखिए हल्की हल्की जो पानी है वो ब्लू देखने लगा है। और बीच पे देखिए सारे लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं। ये देखिए माँ जी और बड़े भाई साहब आ रहे हैं। और ये देखिए पूरा गोवा का जो बीच है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए क्लीन, देखिए आप पानी का जो क्लीननेस है ना वो अलग लेवल पे है। सनराइज देखिए हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए सनराइज धीरे धीरे ऊपर सन जो है वो आ रहा है और हम लोग बीच पे घूम रहे हैं। सुबह सुबह का टाइमिंग है, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये देखिए बार बार जो है सब ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा ये गोवा वाली बीच पे। और ये सारे जो बार है वो ओपन होने का जो टाइमिंग है, रेस्टोरेंट टाइप भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। और इसका जो टाइमिंग है सुबह में 10 साढ़े 10 बजे जो है वो ओपन होना शुरू हो जाता है और रात को जो है वो 11 बजे तक के चलती है। 11 साढ़े 11 12 बजे तक के नॉर्मली खुला हुआ रहता है ये सब। क्या हुआ, मम्मी को गंगा सागर दिख रहा है? हाँ, अरेबियन सी जो है वो मम्मी को गंगा सागर दिख रहा है। अच्छा, गंगा सागर में छोटे छोटे ऐसा ही रेस्टोरेंट वगैरह रहता है। कैसा लग रहा है बीच पे सनराइज के टाइम पे? भाई गजब, एकदम भौकाल लग रहा है। अभी देखिए सनराइज हो ही रहा है और आप सुबह सुबह बीच पे घूम रहे हैं। भौकाल भौकाल लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ये रेती है वो व्हाइट कलर की है ना? हाँ, ये पत्थर को तोड़ के बनवाया गया है। पत्थर को तोड़ के बनवाया गया है। हाँ, वो पानी से, समुद्र से क्या पत्थर जो आते हैं ना बड़े बड़े, तो टकरा करके ये जो रेती है वो ये हो जाते हैं, बॉर्डर हो जाते हैं। और समुंदर जबकि कोई चीज रखता नहीं है तो वो पत्थर को भी बोला, ये रे पत्थर ले जा तू अपना। अच्छा, ये होल किस चीज की है? ये एक तरह का छोटा कीड़ा है। अच्छा, केकड़ा टाइप में रहता है लेकिन वो खाते नहीं लोग, वो आके होल बना के अंदर रहता है। ओके, समुद्री मतलब। तो गाइस ये देखिए समुद्री जो कीड़े होते हैं उसके होल हैं और इसके अंदर रहते। ये देखिए निकलता है। मुंबई वाले बीच पे इस तरीके का होल नहीं दिखता और वो सीधा चलता नहीं, साइड से केकड़ा ही टाइप में है। अच्छा, केकड़ा टाइप का है लेकिन खाते नहीं है उसको। अच्छा, जहरीला होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा उसका टेस्ट वगैरह मतलब वो है जहरीला टाइप का, जहरीला टाइप का है। गाइस ये देखिए सामने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस। ये देखिए जिम्नास्टिक और योगा सब चल रहे हैं यहाँ पे। देखिए सनराइज के साथ साथ जिम्नास्टिक, वाओ। ये देखिए इंडियन तो है नहीं, ये लोग सारे विदेश से आए हुए हैं घूमने के लिए। वैसे देखा जाए तो हम भी गोवा वाले तो है नहीं, मुंबई से आए हुए हैं घूमने के लेकर। गाइस ये देखिए रेस्टोरेंट जो है वो बिल्कुल देसी थीम पे बनाया गया है। जिस तरीके से गांव में जो है वो झोपड़ी बनता है उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो नारियल के पेड़ का झोपड़ी बनाया गया है। और लाइटिंग वाइटिंग बहुत ही मस्त किया गया है। रात के टाइम पे आपको ये सारे लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए सनराइज गोवा वाली बीच पे। जापान में इसको बोलते हैं पिंक स्वाइंग। ये एक एक्सरसाइज। क्या बोले नाम, क्या बोले? पिंक स्वाइंग। पिंक स्वाइंग। हाँ, हमको लग रहा है आप भी जापानी हो जाइए कुछ दिन के बाद। अब ये जो है इससे आपको तरोताजगी क्या मिलता है, वेट जो है ना पूरा 100% कंट्रोल में रहता है। सांस का जो भी प्रॉब्लम है, सांस छोड़ना है पहले, मैं मेरा देख लीजिए फिर वैसे ही करना है। ये दोनों पैर को यहाँ पे रखना है बराबर, कंधे के बराबर में, जो कंधा है कंधे के बराबर में रखना है। और ये हाथ को जो है सो सिर्फ यहाँ पे एकदम ढीले में खड़ा करना है यहाँ पे। अब आंखें बंद होनी चाहिए और ध्यान होना चाहिए कि एक मतलब एक प्योर सोल है, परमात्मा पे ध्यान लगाइए जहाँ भी जो भी इष्ट देवता है, और एक बार आंख खोल के देख लीजिए मेरा ये, तब उसके बाद ही कीजिएगा। देख हाँ, अब ये हम हाथ को इस तरह से कप बनाए हैं, कप जो प्रेशर डाले हवा पे। अब इसको हम 1 2 और जैसे इसको इधर पीछे ढकेलेंगे, इस हवा को हम ऐसे पकड़ के पीछे ढकेलते हैं, तो उस समय थिंकिंग हमारा सोचना ये होना चाहिए कि हमारे जो बैड एलिमेंट्स हैं, मेरे बैड जो थिंकिंग है, बैड जो मेरी जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां, वो सब धरती के अंदर समा रही है। इस तरह से हम एक थिंक सोचते हुए इसको एक करेंगे, और साथ में देखिए मतलब 4 बार हम करेंगे खड़ा होकर के। सांस जैसे इसको प्रेशर से डालते हैं तो उसी समय हम अपना सांस को छोड़ेंगे तेज़ी से, और जब प्रेशर यहाँ पेंडुलम की तरह हाथ होना चाहिए, कंधे के बराबर ही आना चाहिए, और यहाँ पीछे आते समय यहाँ थोड़ा पावरफुल ढकेलना है, मतलब एयर जो है इसको हम ढकेल रहे हैं धरती में। और उसके बाद ये 4 बार होना चाहिए। और 5वां बार थोड़ा हम झुक के 2 बार मारेंगे। ये मिनिमम 100 टाइम्स अगर होता है तो आपका कभी भी कितना भी खाइए पिए वेट जो है कंट्रोल में रखते, बढ़ने नहीं देते। तो गाइस पीछे हमारे जो भाई साहब है वो गोवा बीच पे आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और वो अभी एक्सरसाइज करेंगे। और तरीके ये यहाँ तो मच्छी का जाल निकला हुआ है यार, ये मैं दिखाता हूँ आप सबको। गाइस ये देखिए, ये जो रस्सा आपको दिख रहा है मोटी सी, वो यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं वो जाल निकाले हैं, और ये सारे से जो है वो मछलियाँ निकाली जा रही है। ये सब देखिए जाल जो है वो निकाला गया है, इस साइड से जो है वो मछलियाँ निकाल ली गई है, और आगे जो है वो लोग मछलियाँ निकाल रहे हैं इस जाल से। सुबह सुबह जो है वो जाल को जो है वो बीच पे लेके आ जाते हैं, और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे समुद्री मछलियाँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कौन सी मछली है ये वाला? हाँ स्क्रैप। कौन सा स्क्रैप? और भी कोई आता है कि सिर्फ यही वाली आती है? और भी आता है। तो गाइस देखिए इस तरीके से जो है वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे मछलियाँ समुद्र से निकाली गई है। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो लोकल मछुआरे होते हैं वो मछलियों को निकाल कर, और ये देखिए सामने जो है वो जाल से मछलियाँ निकालते हैं, और निकाल कर इधर सामने जो है वो समुद्र के पानी में धुल कर जो है वो रखते हैं। ये देखिए पानी देखिए कितना क्लीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए और इस वाले पानी में जो है वो मछलियाँ धुली जा रही है, यानी मछलियाँ का जो सफाई का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। ये देखिए गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो धुला हुआ मछलियाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए कितने सारे लोग जो है वो टोकरी में मछलियाँ लेकर जा रहे हैं और धुल कर वापस आ रहे हैं। ये पानी देखिए कितना ज्यादा क्लीन है। ये देखिए ये तो कुछ और जानवर दिख रहे, जेलीफिश है, जेलीफिश। हाँ नहीं खाते हैं। तो गाइस ये देखिए सारे मछलियाँ जो है वो धुल कर आ गया है, और देखिए कितना मस्त मछली दिख रहा है, कितने सारे फिशेज हैं, अलग अलग टाइप के आपको मछलियाँ देखने को मिलेगा। और ये इस पे लोड करेंगे और फिर इसको मार्केट में लेकर चले जाएंगे। ये देखिए मम्मी लेकर जाना है आपको? हाँ, ये मछली लेके जाना है। हाँ। लेकिन वो पता है उससे ज्यादा अच्छा ये सब बांगरा है, इसको पहचानते हैं। अच्छा पहचानते हैं? हाँ हाँ, बांगरा मछली है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं खाते हैं? नहीं, ये ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। अलग अलग टाइप्स के मछलियाँ हैं, देखिए। कुटले बासे? बासे कुटले? तो गाइस यहाँ पे जो है वो मछलियों का भंडारा लग चुका है और ये देखिए छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं इसको कोई नहीं लेकर जा रहे हैं, ये देखिए। और उस साइड में देखिए केकड़ा है, ओए हाँ देखा देखा देखा, सारे देख लिया हमने। गोवा वाली जो बीचेस है, यहाँ का जो पानी है ना समुद्र वाली, वो बिल्कुल आपको नीला नीला दिखेगा। ये देखिए, ये भी पानी का जो कलर है वो नीला दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन आपको दिखेगा। पानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा साफ आपको देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना ज़्यादा क्लीन दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए आप कितना ज़्यादा क्लीन है। अगर इसमें नमक की मात्रा नहीं होती तो आप पी भी सकते थे इस पानी को। और ये देखिए भाई साहब जो है वो मछली को लेकर जो मच्छी मार्केट है उसमें लेकर जाएंगे और सेल कर देंगे। बहुत सारी मछलियाँ निकले हैं, देखिए आपको, देखिए। तो गाइस ये देखिए सामने आपको यहाँ पे लाइफ गार्ड दिख जाएंगे गोवा वाली बीच पे। जो लाइफ गार्ड है उनकी नज़र हमेशा बीचेस पे होती है ताकि किसी भी तरीके का कोई घटना नहीं घटे। तो ये देखिए आपको वॉच टावर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और ये देखिए जाल को किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग मछली निकालने के बाद। तो गाइस ये देखिए सामने जो है वो गोवा वाली जो बीच है उस पर देखिए समुद्र के अंदर जो है वो स्विमिंग कोई तो कर रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई विदेशी ही होगा जो यहाँ पे स्विमिंग किया जा रहा है सुबह सुबह। हालांकि सुबह सुबह स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। जितने भी एक्सरसाइज है उसमें से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग ही मानी जाती है। और ये देखिए बैक स्ट्रोक किया जा रहा है और मैं तकरीबन आधे घंटे से देख रहा हूँ ये कंटिन्यू भाई साहब जो है वो स्विमिंग किया जा रहा है क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी क्लीन है। तो स्विमिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये गोवा। और लाइफ गार्ड वगैरह भी लगा हुआ है आसपास में, तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी तो लाइफ गार्ड जाकर बचाएगा। बट वो सारे जो आप देख रहे हो स्विमिंग करते हुए, ये प्रैक्टिस वाले लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखा है इन्होंने। तो गाइस अभी थोड़ा सा भूख लग गई है तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए और वहीं पे नाश्ता वास्ता आराम से खाएंगे पियेंगे। और शाम को फिर एक फंक्शन है शादी वाली ही, तो वहाँ पे भी जाना है। ये देखिए बीच के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको जो यहाँ के गवर्नमेंट वाली बस है वो देखने को मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड जो है वो कुछ बीच के जस्ट बाहर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जितने भी स्कूटियाँ आपको दिख रहा है, ये सारे जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं वो रेंट पर लेकर आते हैं और यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो अगर आपको भी स्कूटी वगैरह चलाना आता है तो आप आराम से स्कूटी रेंट पे लेकर फिर ट्रैवलिंग कीजिए। 600 रुपया जो है वो एक दिन का चार्ज आपसे लेंगे स्कूटी वाले। बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो आप स्कूटी लेकर और मस्त पूरी गोवा जो है वो घूम सकते हो। ये देखिए सरकारी बस से जो है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे की जो जर्नी है उस पर मिलते हैं। घर पे निकल रहे हैं? कहीं और चलना है? नहीं, अभी तो घर पे ही चलना है। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ पे? पाव भाजी। मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा घर पे कर लेते। घर पे तो डेली करते हैं। हाँ, मामा के हाथ का डेली खाते हैं, बॉम्बे में खाते हैं, बिहार में। चलिए फिर करते हैं यहाँ के पाव भाजी जो है वो नाश्ते में, और देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो चले, हाँ अंदर थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर तो धूप धूप लग रहा था। हाँ लेकिन बड़ा अच्छा, बहुत मौसम एंजॉय किया। कल तो सुबह सुबह उठ के आ जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, डायरेक्ट नाश्ता करते हैं और आपको भी करवाते हैं। गोवा अगर घूमने आ रहे हो तो नारियल पानी जरूर ट्राई करना, थोड़े सस्ते मिलेंगे आपको 40 रुपए में, लेकिन साइज थोड़ा छोटा है। ये देखिए, मीठा पानी है। तो नारियल पानी पीते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो ये आपका भाजी पाव का नाश्ता है। वाह, तो गाइस देखिए गोवा में जो है वो सॉफ्ट पाव होता है, हार्ड पाव होता है और बंस होता है। देखिए ये वाली बंस है। हाँ ये मामा को दे दिया। ये देखिए बंस है, ये मीठा लगता है ना, डाल दो इसमें। तो गाइस अभी शादी के लिए हम लोग निकल चुके हैं घर से, और पास में ही है। तो ये सामने देखिए गाड़ी, और यहाँ पे जो है वो बुके लेने के लिए आ चुके हैं। ये देखिए बुके का स्टॉल है, और यहाँ से बुके वगैरह जो है वो लेकर आगे मूव करेंगे। और ये क्या है, उससे ज़्यादा कितनी अच्छा, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये या वो? अच्छा ज़्यादा लग रहा है वो वाले, तो वो दे दीजिए। कितना? 200 बोले, 250। ओके, तो ये हमारा बुके हो गया। तो इसके फल आप दे दीजिए मुझे। तो गाइस अभी जो शादी वाली लोकेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप पीछे देख रहे हो, यहीं से जो है वो एंट्री है। और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब आ चुके हैं। हेलो, मम्मी आ चुकी है। तो चलिए तो अभी चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा जगह है, जो इन्होंने हॉल बुक किया है ना, वो बहुत ही प्यारा लुक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सनम। तो गाइस ये देखिए जो शादी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेहा विथ शाहरुख। और देखिए कितना प्यारा जो है वो सजाया गया है, डेकोरेशन। चलिए आगे, और देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग किया गया है। हॉल देखिए कितना प्यारा सजाया गया है, और कुछ इस तरीके से जो है वो डेकोरेशन किया गया है इस जगह पे। आगे देखिए जो शादी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो जयमाला वगैरह का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा, और यहाँ पे जो दर्शक है वो देखेंगे। और ये देखिए जो इन्होंने लाइटिंग वगैरह किया है, कितना प्यारा जो है वो डिज़ाइन दिया गया है। और सामने जो है वो फ़ोटो सेशन का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि लुक जो है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल शांति सा है, ऐसा नहीं कि शोर शराबा और अलग तरीके के। जैसे हम लोग के बिहार यूपी में जो शादियाँ होती है वो अलग लेवल की होती है, बट यहाँ पे बिल्कुल सीधा सिंपल शांति सा फील आपको होगा। ये देखिए, ये जो है वो ओपन है। ये देखिए सामने आपको आसमान दिखेगा, और नीचे जो है वो बैठने का लिए डिनर वगैरह का जो सिस्टम है वो इस जगह पर किया गया है। गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरी लाइफ की सबसे पहली ऐसी शादी जिसमें मैं मुस्लिम शादी में पहुंचा हूं, और मुस्लिम में किस तरीके से शादियां होती है वो मुझे यहां पे देखने को मिला है। हालांकि अलग ही रीति रिवाज से, तो जानकारी के लिए और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहां पे आनी चाहिए, देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो इस जगह पर आए हुए हैं, और किस तरीके से इस कौम में शादियाँ होती है वो देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सामने आपको वाटरफॉल वगैरह देखने को मिल जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयिही व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अल हुसैना हुजूर का जाता सल्लम वलाती बंदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा आला कबूल फरमा। मौला आपके वसीले से फातिहा अता फरमा, शर्त है कि शर पसंदी से, शैतान के शर से, खलास के वसवसों से, दुश्मनों की दुश्मन नज़र से, हासिलों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा कर ईमान और इस्लाम की पाकला ज़िंदगी नसीब फरमाए। तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله. प्रोजेक्ट में इन दीदी को और इसके नानों प्रशिक्षकों को दिया मैं आपने इस दीदी को अपने निगाहों में तजुरा बहर एवं बहर। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। मैं मेरे वास्ते, मेरी ज़ात के वास्ते इस बीवी को और इसके नानों रुपये को और इसका हक महर 50,000 रुपये नकद अदा किया। मैं कपिल तू मिन पली निकाहा व तजवीज़हा अल्ज़मतु अलैहा बी महरिहा बी महरिन मज़कूर रज़ियतु बिही व बिहा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और अभी 10-15 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी जिंदगी जीते रहिए।